दोस्तों आप सभी जैसे जानते हैं कि आपके लिए जो इंग्लिश के जो वीडियो लगातार आ रहे हो, तो एक और वीडियो लेकर आपका दोस्त आ चुका है। तो दोस्तों पोयम क्या है, आप पुल लिए, ठीक है। अब आपको पैटर्न समझ गया आ गया होगा, जब से आप पहला पोयम अगर देख रहे होगे तो पहले पोयम से आपको पूरा जो पैटर्न है समझ में आ गया कि लिखना किसने, से पॉइंटर्स दे रहा हूं, ठीक है। क्या पोयम का राइटर पुल्ली है, लिखा किसने, जॉर्ज हर्बर्ट ने। राइमिंग स्कीम है इस पोयम में, तो लिखो देखो ए ए ए बी ए ए बी ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए बी ए, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया, मेटाफोर, पर्न, इन्वर्जन, पैराडॉक्स, एसेक्टा। थीमो सेंट्रल आइडिया क्या, द रीजन व्हाई मैन इज कंटिन्यूअली रेस्टलेस, ये क्या आपका थीमो सेंट्रल आइडिया। तो लिखना चालू करे, देखो ये लर्न कर लो, क्या है पुल्ली है, पोएट कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, राइमिंग स्कीम है, हाँ है ना सर, क्या है ए बी ए बी ए ए बी ए ए ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। अब क्या यूज किया गया, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर, पर्न, इन्वर्जन ऑफ पैराडॉक्स, एसेक्टा। थीम ऑफ सेंट्रल आइडिया क्या है, द रीजन व्हाई मैन इज कंटिन्यूअली रेस्टलेस, ठीक है। अब चलो फटाफट लिख सकते हो, द पोयम टाइटल इज द पुली इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट, द पोयम द पोयम हैज द पोयम हैज द राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोयम इज ए बी ए बी ए, ठीक है। देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्यूटिफाई द पोयम टू द नेक्स्ट स्टाटा Next level, but the figure of speech which is used in the poem are metaphor, pun, inversion, paradox. But the figure of speech which stands out is metaphor. कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, the metaphor, the glass of blessing signifies the sum of all the human qualities bestowed to man. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, the quality of rest or contentment is implicitly compared to a jewel. क्या जो quality rest और contentment की, वो किससे compared किया गया, आपके jewel से क्या compared किया गया, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरा दिल खुश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर बात करूं, तो नेक्स्ट चीज क्या है, थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम और द सेंट्रल आइडिया फॉर द पोयम इज द रीजन व्हाई मैन इज कंटिन्यू रेस्टलेस। तो यहाँ पे मैंने वो चीज लिख के दी आपको, देखो क्या, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज द रीजन फॉर द मैन कंटिन्यूस इन हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू पोएट, दिस इज बिकॉज द गॉड विथ हेल्प द क्वालिटी ऑफ रेस्ट फ्रॉम द ह्यूमंस सो दैट द मैन्स थॉट विल अल्टीमेटली टर्न टुवर्ड्स द गॉड हिज क्रिएटर, समझा। तो यही आपको चीजें क्या लाइन लिखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, नीचे टेलीग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स है उस वहीं पे आने वाले हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो दोस्तों, थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, गाना अच्छे से लगा देना, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड होकर आपके लिए क्या, आपके लिए जो अप्रिसिएशन लेकर आ सके। तो पहला दिन अभी तो और मचाने वाले, पूरे एग्जाम में क्या हम टहलका मचाने, तो टेंशन मत लो, फटाफट से दोस्तों का शेयर भी करो दोस्तों।